ओ भाई साहब, अनाउंस हो गई है, प्रोडक्शन शुरू हो गई है गाड़ी की, बिल्कुल बुकिंग खुलने ही वाली है। बस भैया नेक्सॉन लेने वाले सावधान हो जाओ, थोड़ी देर के लिए शांति से बैठ लो, 300 बस समझो आई गई। ब्रीजा वाले भी लास्ट तक देख लेना, जो प्लान कर रहे हैं ना भैया, ब्रेक लगा लो ब्रेक। क्या भैया 16 लाख रुपए में पैनोरामिक सनरूफ आने वाली है, ओए होए, वेंटिलेटेड सीट आने वाली है, अडास आने वाला भैया, ओए भाई कमाल कर दिया, बम फोड़ दिया महिंद्रा ने। सिर्फ 16 लाख रुपए में लोगों की क्वायरी भी आ रही थी हमारे पास। तो दोस्तों स्वागत है आपका हमारे चैनल दक्ष अग्निहोत्री पे, मैं हूँ नवनीत, ये है दक्ष, हम रखेंगे अपना पक्ष। तो दोस्तों आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं भैया हम सबकी फेवरेट गाड़ी, जिसका मुझे भी इंतजार है और आपको भी इंतजार है, आप लोगों को भी इंतजार है। हम बात कर रहे हैं दोस्तों अपकमिंग एक्सयूवी 300 के बारे में, उसके फेसलिफ्ट के बारे में। भैया आज ऐसी खबर लेके आए हैं आपके लिए कि जो जो वेट कर रहा है, या जो जो नेक्सॉन भी खरीद रहा है, ब्रीजा भी खरीद रहा है, ऐसा एक अपडेट आ गया, ऐसी न्यूज लेके आए हैं सूत्रों के हवाले से, यानी कि कंपनी के अंदर से रिपोर्ट आई है, प्रोडक्शन शुरू हो चुकी है एक्सयूवी 300 की, इंटीरियर्स भी लीक हो चुका है। लेकिन आज हम ये बात करेंगे कि भैया क्यों अभी तक महिंद्रा इस गाड़ी को नहीं उतार दी और कब आएगी ये गाड़ी। भैया प्रोडक्शन शुरू हो गई है, धड़ल्ले से बन रही है गाड़ी, महिंद्रा को सब पता है कि बहुत जबरदस्त वेट हो रही है गाड़ी की, लेकिन ला क्यों नहीं रही है अभी तक। बिल्कुल सही बात है, रीजन क्या है, क्यों इतनी डिले हुई जा रही है, क्यों लोगों को तरसाया जा रहा, नवंबर दिसंबर से हुआ बना रखा है कि 3D भैया पिछले साल से हुआ बना हुआ है, आ रही है टेस्टिंग हो रही है, अभी तक जो है गाड़ी नहीं आई है। इतने महीनों से 6-8 महीने हो गए कि भैया फेसलिफ्ट आएगा, क्यों नहीं अभी तक आया, उसके बारे में बात करते हैं। और वेट करनी है या नहीं करनी गाड़ी की, आज आपको वीडियो के एंड तक क्लियर हो जाएगा, उससे पहले ना चैनल को कर दो सब्सक्राइब। बिल्कुल। तो दोस्तों जब से XUV 700 एक बहुत बड़ा हिट गया, उसके बाद स्कॉर्पियो NI वो भी बहुत बड़ी हिट गाड़ी गई है, अब महिंद्रा को भैया कल आ चुकी है कि गाड़ी कैसे लॉन्च करनी है, क्या तरीका है लॉन्च करने का, क्योंकि महिंद्रा एक ऐसी कंपनी है जिसके पास सबसे ज्यादा हिट प्रोडक्ट भी है और सबसे ज्यादा फ्लॉप प्रोडक्ट भी है। मतलब आप ये मानो इंडिया की सबसे ज्यादा हिट गाड़ियां स्कॉर्पियो थार 700 सारी महिंद्रा की, सबसे ज्यादा फ्लॉप गाड़ियां वो भी महिंद्रा की, KUV 100 और जो मराजो ये भी महिंद्रा की, जाइलो पता नहीं कितनी फ्लॉप गाड़ियां भी निकाली इन्होंने, लेकिन अब आ गई है महिंद्रा को अकल भैया कैसे गाड़ी का हुआ बना के तीर जो है टक करके निशाने में मारना। भाई साहब जान के महिंद्रा लेट करता जा रहा, बिल्कुल सही बात है। इससे फायदा क्या हो रहा है भैया, इससे एक तो हाइप बन रही है, बहुत जबरदस्त हाइप बन रही है, और जब टाटा की नेक्सॉन आई थी तो टाटा ने क्या गलती करी थी, उनका जो पुरानी वाली नेक्सॉन थी उसका स्टॉक खत्म करे बिना ही इन्होंने फेसलिफ्ट निकाल दिया, उस वजह से क्या हुआ कि भैया पुरानी नेक्सॉन कोई खरीद नहीं रहा था क्योंकि फेसलिफ्ट आ चुकी थी, तो वो पुरानी गाड़ियां टाटा ने जो है लाखों रुपए के डिस्काउंट पे निकाले, आज भी उनके पास स्टॉक पड़ा हुआ पुरानी नेक्सॉन का। तो महिंद्रा सबसे पहले तो पुरानी 300 यानी जो एग्जिस्टिंग अभी जो 300 आ रही है उसका स्टॉक खत्म करने का वेट कर रहा है, और अभी भी माल पड़ा हुआ भैया, बहुत माल पड़ा हुआ है, जैसे कि हमने पहले वीडियो में भी बताया कि स्टॉक अभी भी खत्म नहीं हुआ, बहुत स्टॉक पड़ा हुआ है भैया। दिक्कत महिंद्रा के साथ क्या आ रही है, जब से लोगों को पता चला है कि 300 का फेसलिफ्ट आ रहा है, लोग अभी वाली 300 खरीद ही नहीं रहे हैं, और जब तक वो बिकेगा नहीं महिंद्रा फेसलिफ्ट, और फायदा पता है एक फायदा क्या होता जा रहा है जो खरीद रहे हैं, भाई साहब दिन ब दिन डिस्काउंट ज्यादा बढ़ता जा रहा है 300 पे, क्योंकि गाड़ी कम बिक रही है, लोग कहीं ना कहीं फेसलिफ्ट की वेट कर रहे हैं, और महिंद्रा डिस्काउंट पे डिस्काउंट बढ़ाता जा रहा है, लेना आना चाहिए बस, जो दे रहे हैं उससे भी ज्यादा डिस्काउंट मिल जाता 300 के ऊपर। बिल्कुल सही बात है, गाड़ी दोस्तों लाजवाब है यार, चलने में इस सेगमेंट की किंग गाड़ी है वो। पहला रीजन तो दोस्तों ये था, दूसरा रीजन कि क्यों 300 डिले हो जा रही है उसका ये रीजन है कि भैया नेक्सॉन 5-स्टार आ चुकी है चाइल्ड सेफ्टी में भी एडल्ट में भी, तो महिंद्रा भी जो है सेफ्टी रेटिंग का वेट कर रहा है इस गाड़ी की, और रिपोर्ट्स ये हैं कि भैया सेफ्टी रेटिंग लगभग आ चुकी है, प्रोडक्शन वैल्यूज जो है प्रोडक्शन जो है वो शुरू हो चुकी है, इतना स्टॉक इकट्ठा करना शुरू कर दिया महिंद्रा ने, और अच्छी खबर ये है दोस्तों जिसके लिए आज आए हैं कि भैया बेस मॉडल भी जल्दी से जल्दी महिंद्रा प्रोवाइड कराएगा। बिल्कुल सही बात, जो अंदर की रिपोर्ट आई है, क्योंकि हमेशा ये टॉप मॉडल प्रायोरिटी पे रखते हैं, लेकिन इसके बेस मॉडल भी मिलेंगे टाइमली, क्योंकि महिंद्रा को पता है कि भैया इस सेगमेंट में बेस वाला कस्टमर ज्यादा है, ज्यादा 700 वाली सेगमेंट में टॉप मॉडल वाला कस्टमर ज्यादा है, तो अगर आप बेस भी ले रहे हो ना तो ये समझ लेना मिल जाएगा उसका, मिल जाएगा, क्योंकि जितनी प्रोडक्शन हो रही है उसमें से
35% जो है वो बेस और बेस से ऊपर वाले मॉडल बनाए जा रहे हैं, क्योंकि इसका स्ट्रेट कंपटीशन है टाटा की नेक्सॉन गाड़ी। नेक्सॉन वाले टाटा वाले आपको बेस मॉडल फटाफट दे रहे हैं। ब्रीजा के साथ भी बहुत तगड़ा कंपटीशन है, ब्रीजा का एलेक्सा भी बहुत आसानी से मिल रहा है, मिल जाता दोस्तों। इंजन आपको ऑलरेडी बताया हुआ है इसके अंदर की 1.2 M स्टालियन इंजन 130 BHP वाला W6 W8 से और W8 ऑप्शनल से ये आएगा, बिल्कुल TGDI। और दोस्तों एक और बहुत बड़ा अपडेट की ये भी सुनने में आ रहा है, देखो अभी गाड़ी रिवील तो करी नहीं है महिंद्रा में, तो चांसेस आर 95% की ये गाड़ी में कुछ अलग नहीं आएगा जैसी महिंद्रा की 400 इलेक्ट्रिक गाड़ी, सेम टू सेम वैसी गाड़ी होने वाली है। हल्का सा व्हील बेस बढ़ा के डिक्की बढ़ा दी, इंटीरियर जो 400 में आ रहा है ईवी में नई वाली में उसी वही सेम इंटीरियर। आप ये मान लो कि जो आपने इंटीरियर 400 का देखा ना 98% जो है 99% जो है वो इंटीरियर वही का वही है जो 400 इलेक्ट्रिक वाली में आ रहा है। जो लोग 300 के फेसलिफ्ट का वेट कर रहे हैं ये सोच के कि भैया कुछ नया आएगा नहीं आएगा, भैया महिंद्रा की 400 देख के अंदाजा खुद लगा लो, अगर आपको वो गाड़ी पसंद है उसका इंटीरियर पसंद है तो आप वेट कर लो, नहीं तो आप नेक्सॉन तो ले ही सकते हो, वो तो ऑप्शन खुला ही है। और अगर एग्जिस्टिंग वाला उठा लोगे जो अभी आ रहा है प्री फेसलिफ्ट वाला, तो भैया डिस्काउंट ना दिन ब दिन बढ़ता जा रहा स्टॉक बचे हुए के। बिल्कुल सही, सिर्फ स्टॉक खत्म होते ही कभी भी अनाउंस हो सकती है। देखो 31 मार्च तक तो ये अनाउंस करेंगे नहीं क्योंकि क्लोजिंग चल रही है, ये तो है। बुकिंग्स खुल जाएंगी जो मुझे उम्मीद है, जो अंदर की रिपोर्ट आई है हमारे पास कि अगले महीने इसकी बुकिंग खुलने लगी है XUV 300 की। देखो ये महीना तो क्लोजिंग ईयर होता है, फाइनेंशियल ईयर मंथ होता है, तो इस महीने तो ये रिवील करने से रहे, अप्रैल में चांसेस आर 99% की अप्रैल में भैया गाड़ी आई समझो। अब बात कर लेते हैं दोस्तों इसकी बुकिंग खुलते ही बुकिंग करानी कैसे है एंड कब करानी है, क्या आपको इनिशियल बुकिंग डाल देनी चाहिए या आपको 2-4 महीने बाद रिपोर्ट की वेट करके उसके बाद बुकिंग करनी चाहिए। दो प्रोस्पेक्टिव हैं इसके भी कि इनिशियल बुकिंग डालनी है या वेट करके डालनी है। अब भैया इनिशियल बुकिंग तो वो जिसको ज्यादा खुजली हो रही है ना कि भैया मुझे फेसलिफ्ट चाहिए ही चाहिए अभी ही चाहिए, तो भैया इतना आप समझ लो कि इतने सारे सेंसर लगे होंगे इस बारी गाड़ी के अंदर, इतने अपडेट्स दिए हैं महिंद्रा ने, कहीं ना कहीं किसी ना किसी सेंसर में प्रॉब्लम आएगी इलेक्ट्रिकल प्रॉब्लम आएंगी गाड़ी में शुरू के लॉट में। यही सेम चीज हमने 700 के साथ देखी थी, जब वो आई थी तो इनिशियल बुकिंग बहुत सारी डली एंड जब लोगों को शुरू के स्लॉट की डिलीवरी मिली भैया बहुत सारी दिक्कतें लोगों को आई। तो अगर तो भैया बिल्कुल नहीं रुका जा रहा तो तरीका आपको बता देते हैं, इसकी जैसे ही बुकिंग खुलेगी आपको ऑनलाइन बुकिंग डालनी और एक बुकिंग डीलर पे भी डालो जाके नियर बाय। सही बात है, नियर बाय दो बुकिंग डालनी पड़ेंगी आपको अलग अलग नाम से। महिंद्रा तो पूरा रिफंड भी नहीं करता है। कोई बात नहीं यार, बुकिंग गाड़ी लेने से मतलब है, एक बुकिंग अगर कैंसिल करके कुछ थोड़ा सा काट भी लेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ता। गाड़ी अगर आपको जल्दी चाहिए तो आपको एक से ज्यादा बुकिंग डालनी पड़ेंगी। बिल्कुल सही बात है, वहां पे आपको रिस्क खेलना पड़ेगा, क्योंकि भैया जो कंसल्टेंसी पे हमारे पास सवाल आ रहे हैं ना, इतनी ज्यादा लोग वेट कर रहे हैं इस गाड़ी की कि बम की तरह फटेगा मामला जब इसकी बुकिंग्स आएंगी, मतलब ओपनिंग करेगी महिंद्रा जो है। और भैया अगर कोई ज्यादा जल्दबाजी नहीं है तो चुपचाप वेट कर लो, आराम से दिवाली तक का वेट करो, तब तक गाड़ी आराम से आ चुकी होगी, पूरे पत्ते खुल चुके होंगे सारे, हमारे भी रिव्यूज आ चुके होंगे, गाड़ी की रिपोर्ट भी जो है आपके सामने आ चुकी होगी, कस्टमर फीडबैक कस्टमर रिव्यू ओनरशिप रिव्यू आपके सामने आ चुके होंगे, गाड़ी में क्या कमियां आ रही है क्या दिक्कतें आ रही है सब कुछ आपके सामने आ चुका होगा, दिवाली तक का वेट कर लो सर। और साथ ही साथ भैया हमारे ड्राइव रिव्यूज का भी वेट कर लो, पूरा भूत बना के उसका पूरा नींबू निचोड़ के ना पूरा लट्टू घुमा के ना चक्री बना के उसका ऐसा तेल निकालेंगे ना गाड़ी का। सही बात है कि एक एक पेच बता देंगे आपको क्या, तो वेट कर लो यार, जो समझदार बंदा है ना उसको वेट करनी चाहिए। अगर वेट हो ही नहीं रही तो भैया नेक्सॉन ले सकते हो, वो भी सेम सेगमेंट की बहुत ही शानदार सुंदर कमाल की गाड़ी है। और जो भैया कहीं वेट कर रहे हैं ना कि स्कोडा भी ला रही है तो भाई बच्चा जो है ना वो जवान हो जाएगा तब तक स्कोडा गाड़ी नहीं निकालेगा, जवान बच्चे का भी बच्चा हो चुका होगा। अपडेट शानदार है, लव टू हैव फीचर्स जो है ना, यानी कि सब फीचर्स जो आप डिमांड करते हो एक अपनी गाड़ी के अंदर वो महिंद्रा ने डाल दिए हैं, लेकिन इतनी भी ज्यादा उम्मीद मत करना। आई बिलीव कि नेक्सॉन का जो फेसलिफ्ट अभी आ रहा है वो भैया बहुत ज्यादा प्रीमियम है, उससे प्रीमियम कोई बंदा क्या ही चीज निकालेगा, खासकर आज की डेट में बहुत ही अपने आप में वो शायद टाटा की मोस्ट ब्यूटीफुल कार होगी यार। उसका रीजन है महिंद्रा के पास जो है वो उससे ऊपर बहुत सारी गाड़ियां हैं जो उनकी टॉप सेलिंग के अंदर हैं। सही
वो उन गाड़ियों को किल नहीं करना चाहेगा, उसको इतना ज्यादा अपडेट दे के कि उसमें वेंटिलेटेड ये सीट पैनोरामिक भैया, क्योंकि आप एक चीज समझो, महिंद्रा को 300 बेचने में फायदा नहीं, अगर इनकी 300 टॉप सेलिंग बन गई तो महिंद्रा को फायदा नहीं, नुकसान है भैया। जो कंपनियां 30-30 लाख की गाड़ियां बेच रही हैं, एक्सयूवी आज की डेट पे सड़क पे जितनी दिखती है सारी 1.7 ही दिखती है मोस्टली। जो कंपनियां 30-30 लाख की गाड़ियां बेच रही है, अगर उनकी 17 लाख की गाड़ियां बिकने लग गई तो भैया 700 सेगमेंट भी इफेक्ट होगा, कंपनी को फायदा नहीं नुकसान नहीं होगा। और भैया एक सुनने में आया था कि इसके अंदर पैनोरामिक सनरूफ आ रही है, जो अंदर की रिपोर्ट थी हमारे पास, लेकिन मुझे ना यकीन सा नहीं हो रहा कि पैनोरामिक सनरूफ दक्ष आएगी इसके अंदर। उसका रीजन क्या है कि AX5 पे जाके इनकी तो 700 की शुरू होती है पैनोरामिक सनरूफ। अगर इन्होंने पैनोरामिक सनरूफ XUV 300 के अंदर 16 लाख रुपए में डाल दी, हाँ तो फिर भैया तो वो 25-26 लाख की गाड़ी भैया कौन खरीदेगा भैया, यही मिस्ट्री है। अब क्या महिंद्रा से कैसे पिच करता है, कैसे पेश करता है लोगों के सामने, परोसता कैसे है, ये देखने वाली बात है। क्योंकि भैया गाड़ी तो ये वही है, गाड़ी तो ये वही है जो अभी आ रही है। और तो एक बंदे का और सवाल आया था दक्ष भाई, क्या आया था कि क्या इसमें CNG भी निकाल रहे हैं नेक्सॉन की तरह? ये भैया CNG तो इसमें आने की उम्मीद मुझे तो नहीं लगता है, जैसे नेक्सॉन वाले निकाल रहे हैं। क्योंकि महिंद्रा को सही बताऊं, वो है भैया महिंद्रा बदमाश कंपनी, उनको घंटा उनको ऐसा कस्टमर नहीं चाहिए, वो बदमाश स्कॉर्पियो बेचता काले रंग भैया, उनको माफिया गाड़ियां बेचनी है। माफिया यानी कि जो देखने में प्रेजेंस हो, लिखा होता है सर्विस सेंटर के बाहर, हाँ क्या लिखा होता कि बंदूक अंदर लानी अलाउड नहीं है। भैया महिंद्रा के सर्विस सेंटर में वो गाड़ियां आती है जिसमें डिक्की में जो है हॉकियां पड़ी होती है, उनको वो गाड़ियां नहीं चाहिए जिसमें डिक्कियों में CNG का सिलेंडर पड़ा हो। ये हो गई बात। तो दोस्तों वेट कर लो, बुकिंग खुलने वाली है, प्रोडक्शन स्टार्ट हो चुकी है, बड़ा ही मजा आने वाला है वीडियोस की, वेट करो। तो दोस्तों यही थी आज की वीडियो, आई होप आपको वीडियो बहुत पसंद आई है। लेकिन अगर अभी भी आपका कोई सवाल है कि मैं नेक्सॉन लूं, मैं 300 लूं, मैं ये लूं, मैं वो लूं, तो ये नीचे हमारा व्हाट्सएप नंबर बना रहा है, हमें व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं, हमसे मैसेज करके पूछ सकते हैं, हमें कॉल भी कर सकते हैं, कॉल की भी फैसिलिटी अवेलेबल है, कॉल भी बुक करा सकते हैं। और अगर PDI करवाना चाहो गाड़ी की, यानी कि प्री डिलीवरी इंस्पेक्शन, तो उसकी भी फैसिलिटी अवेलेबल है, अपना स्लॉट बुक करा सकते हो, PDI बुक करा सकते हो बिल्कुल। और सबसे पहले भाई इंस्टाग्राम पे जाके कर लो फॉलो, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना भाई साहब, 1 लाख सब्सक्राइबर ना अगले महीने कंप्लीट हो जाना चाहिए बिल्कुल। क्योंकि आपके लिए जो इन्फॉर्मेशन, डिस्काउंट के वीडियो, जो जिस तरीके का कंटेंट आपको ला के दिया जा रहा है ना, पूरे यूट्यूब पे ढूंढे नहीं मिलेगा वो कंटेंट। वीडियो देखते हो यार, सब्सक्राइब भी किया करो चैनल को। लव यू ऑल, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।